अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुक विद स्माइल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल और इजी से बनने वाले गोभी गोश्त की रेसिपी, जो कि खाने में उतनी ही मज़ेदार होती है। तो चले हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं बना रही हूँ इसको कुकर में, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे कुकर में बनाएं। आपको जिस बर्तन में भी दिल चाहे आप बना सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप ऑयल। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ प्याज, जो मैंने 3 मीडियम साइज़ के लेके उसको बारीक काट लिया है। अब इसे इसमें फ्राई करेंगे, और जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें ब्राउन कलर नहीं आ जाता। 2-4 मिनट में ये प्याज ब्राउन हो जाएंगी। देखें, ये हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। अब इस पॉइंट पे मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है ताकि प्याज का कलर और ज़्यादा मज़ीद ब्राउन नहीं हो। ये मैंने अदरक लहसुन लिए 1 टेबल स्पून। अब इसे अच्छे से भून लेंगे इसके साथ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बीफ का गोश्त, जो कि 1/2 किलो है, और ये हड्डी वाला गोश्त है। अब इसको इसके साथ अच्छे से भुनेंगे। अब इस पॉइंट पे मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, 1 टीस्पून नमक है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। अब गोश्त को अच्छे से भुनेंगे अदरक लहसुन के साथ, ताकि जो इसकी स्मेल वगैरह है वो निकल जाए। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 2 मोटी मिर्चें, इससे इसकी खुशबू और इसका जायका और भी अच्छा हो जाएगा। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जो कि है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, और इसमें हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। बस इसमें सिंपल से थोड़े से मसाले जाते हैं, और इसका टेस्ट फिर भी बहुत मज़े का हो जाता है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि इसका मसाला चिपके नहीं। अच्छे से इसको भुनेंगे ताकि इसमें ऑयल सेपरेट हो जाए। अब इस पॉइंट में मैं इस पर डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के। टमाटर को ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये गोश्त के साथ गलेंगे तो अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ 2 ग्लास। मैं अपने कुकर के हिसाब से 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। आप जिस भी बर्तन में बना रहे हैं अपने हिसाब से आप पानी डालेंगे। इतना पानी डालना है कि इसमें गोश्त जो है हमारा अच्छे से गल जाए। अब इसको प्रेशर देंगे, जब तक प्रेशर देंगे जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता। अब इधर आ जाते हैं। मैंने लिया है गोभी। गोभी को मैंने थोड़े बड़े पीसेस में काटा है। ये तकरीबन मेरी कटने के बाद 1/2 किलो गोभी है। इसको मैं डाल रही हूँ पानी में, नॉर्मल पानी में, थोड़ी देर के लिए डिप करके छोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि इसमें अगर कोई कीड़े वगैरह होंगे अंदर, तो वो पानी में निकल के बाहर आ जाएंगे। इसको डिप करके छोड़ देंगे अभी। अब इधर आ जाते हैं, हमारा गोश्त गल गया है। देखें, इसको मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, हमारा गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, गल गया है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें गोभी शामिल करेंगे। गोभी का पानी मैंने निकाल दिया है। हल्के हाथों से इसको भुनेंगे, ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे, वरना क्या होगा गोभी हमारी टूट जाएगी। इसीलिए मैंने थोड़ी बड़ी गोभी का साइज़ रखा है, इससे गोभी चूर नहीं होगी। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ गरम मसाला, जो कि 1/2 टीस्पून है। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ 1 ग्लास। 1 ग्लास इसके लिए ठीक रहेगा। इसमें शोरबा भी चाहिए हमें थोड़ा सा, और गोभी को गलने के लिए भी पानी की ज़रूरत होगी, तो 1 ग्लास पानी में हो जाएगा। अब बस इसके प्रेशर नहीं देंगे, बस ढक के और 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे, जब तक कि हमारी गोभी गल नहीं जाती। तो देखिए, हमारा गोभी गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार है, और ये खाने में बहुत ही मज़े का बनता है।
तो आप लोग भी ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।